हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर रूपेश एम लिकार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ पित्त दोष। इन प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, फंक्शंस, पित्त वृद्धि लक्षण एंड पित्त क्षय लक्षण। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ पित्त दोष। पंचदा प्रविभक्तम इति पाचक रंजक साधक आलोचक भ्राजक भिदने। पित्त के पांच प्रकार बताए हुए हैं, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त। आचार्य सुश्रुत के अनुसार राग पंक्ति तेज मेधा ऊष्मा को करने वाले पित्त के पांच प्रकार होते हैं जो शरीर में अग्नि का कार्य करते हैं। पित्त का पहला प्रकार पाचक पित्त है। पित्तम पंचात्मकम तत्र पक्व आमाशय मध्यकम पंचभूतात्मकत्वे अपि यत तेजस गुणो दयात त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा अनल शब्दितम पचति अन्नम विभजते सार किट्टो पृथक्तया। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय पित्त का पहला प्रकार पाचक पित्त है जो कि पक्वाशय और आमाशय के मध्य स्थित होता है, अर्थात ग्रहणी में स्थित होता है। पंचभूतात्मक होते हुए भी इसमें तेज गुण प्राधान्य होता है जिसकी वजह से यह द्रव का त्याग करते हुए पाक अर्थात पाचन कर्म करता है, जिसकी वजह से इसे अनल शब्द अथवा अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य अन्न का पाचन करना तथा विभजिते सार किट्टो पृथक तथा सार और किट्ट का विभाजन करना, यह इसका कार्य है। पित्त का दूसरा प्रकार रंजक पित्त है। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय आमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रस रंजनात। आमाशय में स्थित पित्त रंजक पित्त होता है और यह रस के रंजन का कार्य करता है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत आचार्य यह रंजक पित्त यकृत और प्लीहा में स्थित होता है और रस के रंजन का कार्य करता है। पित्त का तीसरा प्रकार साधक पित्त है। बुद्धि मेधा अभिमान आदि अभिप्रेतार्थ साधनार्थ साधकम हृदगतम पित्तम। अष्टांग हृदय के अनुसार साधक पित्त हृदय में स्थित होता है और यह बुद्धि मेधा अभिमान इत्यादि का योग्य रीति से साधन करने का काम करता है। बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंट, मेधा अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी एंड अभिमान सेल्फ एस्टीम, इनको योग्य रीति से साधन करने का काम जो करता है वह साधक पित्त है। पित्त का चौथा प्रकार आलोचक पित्त है, इसे ही तेज कहा जाता है। दृकस्तम आलोचकम पित्तम रूप आलोचनता स्मृतम। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय दृकस्तम मतलब दृक में स्थित होने वाला, आय में स्थित होने वाला यह आलोचक पित्त होता है और इसका फंक्शन रूप आलोचन का काम करना है। इसका फंक्शन क्या है? रूप आलोचनता स्मृतम, रूप का आलोचन करना मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। अकॉर्डिंग टू भेल संहिता, भेल संहिता ने इस आलोचक पित्त के दो प्रकार बताए हैं, चक्षु वैशेषिक एंड बुद्धि वैशेषिक। पित्त का पांचवा प्रकार भ्राजक पित्त है, इसे ही उष्मकृत कहा जाता है। अष्टांग हृदय के अनुसार त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचा। त्वकस्थम भ्राजकम मतलब भ्राजक पित्त त्वचा में स्थित होता है और यह त्वचा के भ्राजन का कार्य करता है, मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्शन एंड कलर ऑफ स्किन। अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह के अनुसार त्वकस्थम त्वचो भ्राजनात् भ्राजकम, यह पित्त त्वचा में स्थित होता है और यह तद अभ्यंग परिशेक आलेप आदिन पाचयति छायाश्च प्रकाशयति। यह अभ्यंग परिशेक आलेप आदि के पाचन अथवा शोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी के साथ यह छाया को प्रकाशित करने का कार्य भी करता है। सो हियर वी एंड द टॉपिक पित्त दोष इन विच वी स्टडीड निरुक्ति पर्याय संगठन स्वरूप स्थान गुण और प्रॉपर्टीज कार्य और फंक्शंस
टाइप्स ऑफ पित्त दोष एंड पित्त क्षय लक्षण एंड पित्त वृद्धि लक्षण। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मैंशन इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू।